हेलो फ्रेंड्स वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट नॉलेज फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट माय वीडियो सो आज हम पढ़ेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर में फिजिक्स का चैप्टर नंबर वन जो कि हमारा गोइंग ऑन था ये इसका लेक्चर नंबर टू है अगर आपको इसके प्रीवियस का लेक्चर देखना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया है आप वहाँ से जाकर मेरे प्रीवियस का लेक्चर देख सकते हैं क्योंकि वो लेक्चर इस लेक्चर से कनेक्ट है तो पहले आप प्रीवियस का लेक्चर देख लें फिर इस लेक्चर को समझें तो आपके ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा सो so, फिज़िक्स का चैप्टर नंबर वन जिसका नेम है इलेक्ट्रोस्टेटिक्स इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था डेरिवेशन ऑफ गॉस लॉ गॉस लॉ का मैंने प्रूफ और डेरिवेशन कराई थी और इस लेक्चर में हम डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ गॉस लॉ की डिफरेंशियल फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे और उसका डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं जो गॉस लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म होती है उसको हम दो इक्वेशंस के रूप में पढ़ते हैं पॉइसन एंड लाप्लास इक्वेशन दो इक्वेशन्स हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं एग्जाम्स में कई बार पूछ ली जाती हैं नेम से आती हैं इक्वेशन पॉइसन इक्वेशन एंड लाप्लास इक्वेशन तो इसका डेरिवेशन मैं आपको आज सिखाऊंगी सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले बेलाइकन को प्रेस कर लीजिए उसके बाद ही आपको सारे लेक्चर्स मेरे मिलते जाएंगे सो लेट्स स्टार्ट आज हम पढ़ेंगे पॉइसन एंड लाप्लास इक्वेशन सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपको गॉस लॉ पता होनी चाहिए गॉस लॉ की क्या इक्वेशन थी गॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या था सो so, गॉस लॉ होता है हमारा फाइव ई इक्वल्स टू के डबल इंट्रीगल सरफेस ई डी एस ई डी एस इक्वल्स टू के क्यू अपॉन एप्साइला नॉट ओके दिस इज द लॉ ऑफ गॉस या दिस इज द कॉज लॉ ये स्टेटमेंट है फाई ई फाई ई हेयर फाई ई इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड ई डी एस इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड क्यू इज द चार्ज एंड एप्सायर नाट इज द कॉन्स्टेंट टर्म तो इसका प्रूफ ही मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में कराया है तो इसके इस फॉर्मूले का इस स्टेटमेंट का प्रूफ अगर आपको देखना है तो मेरे प्रीवियस का लेक्चर देख लें इस फॉर्मूले का ही यहाँ पर यूज होगा इस गॉस लॉ का ही हम यहाँ पर डिफरेंशियल फॉर्म पढ़ेंगे और उसके बारे में डिस्कशन करेंगे सो फाइव ई इक्वल्स टू के डबल इंटीग्रल सरफेस ई डी एस इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्साइल नॉट ओके सो इस पर हम डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ इसको क्यू जो है क्यू को हम इस तरह से लिख सकते हैं ट्रपल इंट्रीगल वॉल्यूम रो डी वी क्यू के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं ये ट्रपल इंट्रीगल वॉल्यूम रो डी वी हेयर रो इज़ चार्ज डेंसिटी तो आप लिख सकते हैं हेयर रो इस चार्ज डेंसिटी ओके सो हम इसको इक्वेशन लेट कर लेंगे फर्स्ट इस वाले फॉर्मूले को हमने लेट कर ली इक्वेशन फर्स्ट ठीक है फिर इसी का हम यूज़ करेंगे इस वाले फॉर्मले में ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है इस फॉर्मूले में गॉस लो में हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे क्यू इक्वल्स टू के ट्रिपल इंट्रीगल रो डी का जब हम यहाँ यूज करेंगे तो क्यू के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं रो तो इसको इस तरह से लिखेंगे फाई ई इक्वल्स टू के डबल इंट्रीगल सरफेस ई डी एस इक्वल्स टू वन अपॉन एप्साइन ऑट इस कॉन्स्टेंट इसको बाहर निकाल देंगे और क्यू के प्लेस पर ट्रपल इंट्रीगल वी रो डी वी और इसको हम लैक्ट कर लेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड आई थिंक आपके क्लियर होगा ये कुछ नहीं मैं डिफरेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर रही हूँ गॉस लॉ को उसके बाद क्या करते हैं हम यहाँ पर यूज करते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम सो so, हम मैं यहाँ लिख देती हूँ ऑन यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होती है मैं नोट डाउन करती हूँ कॉस डाइवर्जेंस थ्योरम होती है डबल इंट्रीगल सरफेस ई डी एस वैक्टर इक्वल्स टू ट्रपल इंट्रीगल वी डाइवर्जेंस ऑफ ई वैक्टर डॉट डी वी ये होती है हमारी डाइवर्जेंस इक्वेशन या कह सकते हैं डाइवर्जेंस थ्योरम सो so, ये हमारी डाइवर्जेंस थ्योरम है सो so आप देखिएगा इसको हम इक्वेशन लेट कर लेते हैं थर्ड तो इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड को अगर हम कंपेयर करें ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड तो ई डी एस इज इक्वल टू वन अपॉन एप्साइड नॉट ट्रपल इंट्रीगल वी रो डी वी एंड ई डी एस ऑल्सो इज इक्वल टू ट्रपल इंट्रीगल डाइवर्जेंस ऑफ ई डी वी सो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं अगर ई डी एस और ई डी एस दोनों ये इसके इक्वल एंड ये इसको इक्वल है तो ये भी इसके इक्वल होगा सो हम यहाँ से लिख सकते हैं ट्रिपल इंट्रीगल वी डाइवर्जेंस ऑफ ई वैक्टर डी वी इज इक्वल टू वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट ट्रिपल इंट्रीगल रो डी वी हमने इक्वेशन सेकंड और थर्ड को कंपेयर करके ये इक्वेशन बनाई है इस इक्वेशन को आप कह सकते हैं फोर्थ इक्वेशन सो आई थिंक यहाँ तक आपकी क्लियर होगा अब इस इक्वेशन में देखिएगा जब हम देख रहे हैं कि दोनों में सेम टर्म है ट्रिपल इंट्रीगल है दोनों साइड तो ट्रिपल इंट्रीगल दोनों साइड है तो इसको मैं इधर ले आती हूँ उठाकर तो ये आ जाएगा ट्रिपल इंट्रीगल वी डाइवर्जेंस ई वैक्टर डॉट डी वी माइनस वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट ट्रिपल इंट्रीगल वी रो डी वी इक्वल्स टू ज़ीरो इक्वल्स टू के मैं इधर टर्म उठाकर ले आई हूँ ये आ गया है अब देखिएगा यहाँ पर कॉमन निकल रहा है कॉमन क्या निकल रहा है ट्रपल इंटीग्रल वी ट्रपल इंटीग्रल वी एंड डी वी डी वी कॉमन निकल रहा है अंदर बचेगा डाइवर्जेंस ऑफ ई डॉट रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी वी कामन है इक्वल्स टू ज़ीरो ठीक है अब इंटीग्रेशन को इधर ज़ीरो के पास हम भेज देते हैं सो so, मैं नेक्स्ट पेज पर बताती हूँ हमारा टर्म बचेगा डाइवर्जेंस ऑफ ई वेक्टर डॉट नहीं माइनस बिकॉज बीच में माइनस लग रहा था यहाँ देखिएगा माइनस लग रहा था तो यहाँ पर भी माइनस आएगा ठीक है सो माइनस रो अपॉन एप्साइला नॉट इक्वल्स टू जीरो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा उसके बाद देखिएगा डाइवर्जेंस ऑफ ई वैक्टर इसको मैं इधर ले जाऊंगी इक्वल्स टू के रो अपॉन एप्सायला नॉट ये हम फाइंड कर चुके हैं डाइवर्जेंस ऑफ ई वैक्टर डाइवर्जेंस ऑफ ई वैक्टर रो अपॉन एप्साइला नॉट और यही है हमारी डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ आप देखिएगा ना यहाँ पर जो ई e था वो इंटीग्रेशन में था और यहाँ पर जो ई e है वो डाइवर्जेंस में सो so, ये हमने कन्वर्ट कर दिया है इंटीग्रेशन से डिफरेंशियल फॉर्म में सो so, ये आपका डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ है और यही इक्वेशन आपकी कहलाती है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ आई थिंक फ्रेंड्स इतना क्लियर हो गया होगा अब हम आगे बढ़ते हैं पॉइजन एंड लाप्लास इक्वेशन की बात करते हैं तो पॉइजन एंड लाप्लास इक्वेशन इसी डेरिवेशन को इसी प्रूफ को लेकर आगे जाते हैं तो हमें मिलती है पॉइजन एंड लाप्लास इक्वेशन तो सबसे पहले वी नो डैट वी नो डैट हम क्या जानते हैं हम जानते हैं कि ई वैक्टर इज इक्वल टू ई वैक्टर ज इक्वल्स टू माइनस ग्रेट फाइव ई वेक्टर जो होता है हमारे वो इक्वल होता है माइनस ग्रेट फाइव के ठीक है सो so, हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे इस इक्वेशन को हम बोल देते हैं फाइव ठीक है ऑन यूजिंग ऑन यूजिंग इक्वेशन फाइव इक्वेशन फाइव का यूज करेंगे तो देखिएगा ई e की वैल्यू क्या होती है हम जानते हैं माइनस ग्रेट फाइव तो डाइवर्जेंस ऑफ ई ई वैक्टर ई वैक्टर के प्लेस पर हम लिख सकते हैं माइनस ग्रेट फाइव इक्वल्स टू रो अपॉन एप्साइला नॉट इस तरह से लिख सकते हैं और डायवर्जेंस ऑफ ग्रेट का मतलब होता है कुछ इस तरह से इसको इस साइन से भी डिनोट करते हैं किस साइन से डिनोट करते हैं ये जो मैंने साइन बनाया ग्रेट को भी इससे और डायवर्जेंस को भी इससे इस साइन से डिनोट करते हैं और माइनस का जो है वो मैं माइनस का बाहर ले आई हूं रो अपॉन एफसाइल नॉट माइनस के साइन को जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी अंदर तो ये हो जाएगा डबल टाइम्स इसकी पावर कितनी हो जाएगी टू इस साइन की इसको भी हम डायवर्जेंस बोलते हैं फाइव और माइनस का साइन मैंने दर भेज दिया है इक्वल्स टू के रो अपॉन एफसाइला नॉट सो ये जो टर्म्स बने ये जो इक्वेशन बनी ठीक है इस डायवर्जेंस और ग्रेट डेंट की करके इसे बोलते हैं हम पॉइसन इक्वेशन इसे ही बोलते हैं हम क्या बोलते हैं इक्वेशन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन होती है अब हम लाप्लास इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं तो कुछ नहीं है लाप्लास इक्वेशन में हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास जो एरिया है वो जिसमें हमने गॉस लॉ पूरी की पूरी एज्यूम की है वो एरिया जो है उसमें कोई भी चार्ज नहीं है वो जो एरिया है प्रीवियस वाले लेक्चर से कनेक्ट हो रही है मेरी ये बात तो प्रीवियस वाला लेक्चर ज़रूर देख लें वहाँ पर मैंने एक एरिया कंसिडर करा था तो जो एरिया है वो पूरा का पूरा कैसा है उसमें कोई भी चार्ज नहीं है और जब वो चार्ज नहीं है तो उसकी वजह से लाप्लास इक्वेशन में जो रो होगा वो भी ज़ीरो होगा अगर चार्ज नहीं है तो चार्ज डेंसिटी भी कितनी होगी ज़ीरो होगी तो उस समय जो हमारी ये इक्वेशन है अगर इस इक्वेशन में मैं रो के प्लेस पर जीरो रख दूँ तो ये वैल्यू हो जाएगी इसकी ज़ीरो और ये जो इक्वेशन बनी है इसे बोलते हैं हम लाप्लास इक्वेशन लाप्लास इक्वेशन सो आपने देखा कि डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ की हेल्प से ही हम पॉइसन इक्वेशन और लाप्लास इक्वेशन का वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं सो आई थिंक फ्रेंड्स आपकी क्लियर हो गई होगी कि आ, कैसे पॉइसन इक्वेशन और लाप्लास इक्वेशंस के हम टर्म्स को वेरीफाई करते हैं Thank you, friends, for watching my video. Please share, like, and comment. Thank you, friends.